Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials this is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper the first article is taken from international segment it is about another class at line of actual control between indian and chinese soldiers and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view so let us first of all see the current news as i told you आप सबको पता भी है वैसे कि चाइना इज़ कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू ऑल्टर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख रीजन कई सारे रिसेंट टाइम्स में क्लैश हुए हैं चाइनीज़ और इंडियन सोल्जर्स के बीच में और उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि चाइना जी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है खासकर लद्दाख एरिया का ये देखो ये रेड कलर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लद्दाख एरिया का इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वो ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा है वो इंडियन टेरिटरी को अक्वायर करने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे वो इंडिया की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है और इस तरह के कई सारे इंसिडेंट हुए हैं हाल फिलहाल में जो सबसे ड्रेडफुल इंसिडेंट था जो सबसे वॉलेंट इंसिडेंट था वो इट हैपन्ड ऑन फिफ्टींथ जून व्हेन चाइनीज़ सोल्जर्स एंड इंडियन सोल्जर्स वे गॉट इनटू टू कन्फ्लिक्ट दैट लीड टू मर्टायर ऑफ ट्वेंटी इंडियन सोल्जर्स इनफैक्ट चाइनीज सोल्जर्स भी काफ़ी मारे गए लेकिन चाइना ने वो डाटा रिलीज नहीं किया और अब न्यूज़ निकल के आ रही है करंट न्यूज़ में अब ये बताया जा रहा है कि ऑन ट्वेंटी नाइन्थ एंड थर्टी अगस्त जो बीता हुआ पिछले दो तीन दिनों का दिन टाइम था उसमें चाइनीज़ सोल्जर्स ने देखो गलवान वैली का इंसिडेंट तो हमने देख ही लिया ऑलरेडी यहाँ पे है गलवान वैली आप देखो ये तीन रीजन ध्यान से देख लो इससे रिलेटेड सवाल आएगा ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है गलवान वैली दूसरा है हॉट स्प्रिंग रीजन या गोगरा एरिया एंड थर्ड वन इज़ पेंगोंग लेक एरिया तो गलवान वैली में तो इंसिडेंट जो हुआ वो तो आपको पता ही है जो 15 जून में हुआ पिछले दो तीन दिनों में यहाँ पे पेंगोंग लेक के पास वापस से कन्फ्लिक्ट हुआ है जहाँ पे पाया गया है कि अबाउट 200 हंड्रेड चाइनीज सोल्जर्स दे वे आर मूविंग ऑन द इंडियन साइड एंड वेन दे आर कन्फ्रंटेड बाई इंडियन सोल्जर्स दे वे आर स्टॉप्ड वैसे कोई खास फिजिकल कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है लेकिन द पॉइंट इज़ कि 200 लगभग चाइनीज़ सोल्जर्स इन इस पेंगोंग लेक एरिया से वो इंडियन साइड्स की तरफ मूव करते हुए पाए गए और फिर इंडियन सोल्जर्स ने रेस्पोंड करके इनके फिज़िकल मूवमेंट को सीज कर दिया एक बार के लिए ख़त्म कर दिया अब जरा देखते हैं हाल फिलहाल में कितने सारे रिसेंट टेंशन हुए हैं इंडिया और चाइना चाइनीज सोल्जर्स के बीच में इन द बॉर्डर एरिया सबसे पहले फिफ्थ और सिक्स मे में ये पेंगोंग सो लेक के आसपास जो जहाँ पे अभी कन्फ्लिक्ट हुआ है इसी एरिया में कन्फ्लिक्ट पाँच छः मई को हुआ था सबसे पहला कन्फ्लिक्ट वही था रिसेंट टाइम का ये है पेंगोंग सो लेक एरिया यहाँ पे सबसे पहला कन्फ्लिक्ट हुआ था फिफ्थ और सिक्सथ मे को फिर नाइन्थ मे को देर वॉज कन्फ्लिक्ट इन द ईस्टर्न सेक्टर इन द सिक्किम एरिया नकुला सेक्टर में फिर नाइनटीन्थ मे को देर वॉज कन्फ्लिक्ट पेंगोंग लेक एज वेल एज हॉट स्प्रिंग रीजन एंड देन ऑन फिफ्टींथ जून तो आपको पता ही है कि यहाँ गलवान वैली में जो मेजर ब्रूटल इंसिडेंट हुआ दैट लेड टू मर्टायरिंग ऑफ ट्वेंटी इंडियन सोल्जर्स इवन समाइनीज सोल्जर्स वे आर ऑल्सो किल्ड एंड नाउ ट्वेंट ऑन ट्वेंटी नाइन्थ एंड थर्टी एथ अगस्त अगेन देयर इज डिस्प्यूट इन द पेंगोंग सो लेक एरिया लेकिन एक बात अब आपको ध्यान से समझनी है कि अभी तक जो पेंगोंग सो लेक ये है पेंगोंग सो लेक वहाँ पे लद्दाख में लेक को वो लोग सो कहते हैं टी एस है ओ लेकिन उसको प्रोनाउंस करते हैं सो तो ये जो पेंगोंग लेक है जिसको वहाँ पे पेंगोंग सो कहते हैं अभी तक जो भी कन्फ्लिक्ट होते थे वो नर्दर्न सेक्टर में होते थे मतलब इस एरिया में होते थे खासकर यानी कि चाइनीज सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में कन्फ्रंटेशन इधर होता था लेकिन इस बार ये जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट है इसके पहले जो भी मैंने बताया फिफ्थ मे को हुआ फिर फिफ्टीन जून को हुआ वो सारे कन्फ्लिक्ट में नदन सेक्टर में हुआ था पेंगोंग से लेक के आसपास लेकिन इस बार जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें चाइनीज सोल्जर्स सदन सेक्टर में पाए गए द रिसेंट रीसेंट हैज़ बिन फाउंड दिस साइड मतलब पैंग सो लेको कर पार करके ये दो सौ सोल्जर्स इंडियन साइड में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर पैंगोंग सो लेक और उस लेक को पार करके इंडियन साइड में मूव करने की कोशिश कर रहे थे सो दैट इज़ द न्यू डेवलपमेंट दिस टाइम तो धीरे धीरे ये चाइना की स्ट्रैटेजी है कि धीरे धीरे वो इंडियन एरिया में वो ट्रांसग्रेस करके थोड़ा थोड़ा लैंड को वो अपने तरफ अक्वायर करता रहे इसी को, को लोग सलामी प्रिंसिपल कहते हैं जो मैं पहली आपको बता चुका हूँ तो अब जरा पेंगोंग सो लेक इतना बार न्यूज़ में आ चुका है तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड फिल्म में सवाल पूछ लिया जाए लेटेस्ट सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट पेंगोंग सो लेक एज यू कैन सी दिस पेंगोंग सो लेक इज ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन तीन लोकेशंस का ध्यान रखेंगे पेंगोंग सो हॉट स्प्रिंग एंड गलवान वैली ये जो पेंगोंग सो लेक है इट इज़ अ सलाइन लेक मतलब इसका वाटर जो है वो सॉल्टी है और यहीं से श्योक रिवर ओरिजिनेट होती है देखो ये जो श्योक रिवर है यहाँ से मूव करती है ये आपको दिख रहा है ये पेंगोंग सो लेक सियोक रिवर इज मूविंग थ्रू इट और ये जो सियोक रिवर है ये आगे जा कर के फिर इंडस को ज्वाइन करती है एज इट्स राइट हैंड ट्रिब्यूटरी और अब आपको एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है ये देखो ये है पेंगोंग सो लेक और यहाँ से सियोक रिवर गुजरती है ये ऊपर वाले जो माउंटेन रिजेज आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे माउंटेन रिजेज जो आपको दिख रहे हैं दे आर नोन एज फिंगर एरिया फिंगर्स यस उंगलियों को जैसे हम कहते हैं वो फिंगर्स दीज आर नोन एज फिंगर एरिया एंड देर आर टोटल एट फिंगर्स इन दीज एरियाज आप देख सकते हैं एट फिंगर्स दीज आर फिंगर एरियाज एट फिंगर्स एंड दीज आर कंसिडर टू बी फिंगर ऑफ काराकोरम माउंटेन रेंज काराकोरम आपको पता है जिसपे दुनिया का सबसे दूसरा सबसे ऊंचा माउंटेन हिल है के टू माउंटेन गुडविन ऑस्टेन वो काराकोरम माउंटेन रेंज का ये एंड है दिस इज द एंड इस साउथ ईस्टर्न एंड है काराकोरा माउंटेन रेंज का और वो यहाँ आकर के ख़त्म होता है पैंगोंग जैसे आपको पता है यहाँ पे काराकोरा माउंटेन है यहाँ आते आते वो काराकोरा माउंटेन है जहाँ आकर के ख़त्म होती है पैंगोंग से लेक के ऊपर नदन सेक्टर में और ये जो आठ छोटे छोटे रीजेज हैं दे आर नोन एज फिंगर्स एट फिंगर्स ऑफ काराकोरम माउंटेन रेंज अभी जो आठ फिंगर्स हैं इस एरिया में अक्सर डिस्प्यूट होता रहता था पहले इसीलिए मैंने बताया कि ये जो नया डिस्प्यूट है इन द सदर्न सेक्टर दिस इज अ न्यू वन अदरवाइज अभी तक जो भी डिस्प्यूट होते थे वो इस एरिया में होते थे फिंगर एरिया में इस फिंगर एरिया में कैसा है वैसे तो इंडिया को ये सारे आठों के आठों फिंगर बिलोंग करते हैं लेकिन क्योंकि ये सब कुछ तो लद्दाख में ही है तो ये सब कुछ हमें बिलोंग करता है ये हमारी कंट्री है लेकिन हमारे एक्चुअल पोजिशन में हमारे एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया के एक्चुअल कंट्रोल में ये चार फिंगर्स हैं काराकोरम के फिंगर नंबर वन टू थ्री फोर वैल रिमेनिंग फिंगर नंबर फाइव सिक्स सेवन एट आर अंडर चाइनाज कंट्रोल सो दिस फिंगर नंबर वन टू थ्री फोर इज अंडर इंडियाज कंट्रोल तो ये सब मैपिंग आपको अच्छे से ध्यान रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेन्स में भी अगर मान लो चाइना और इंडिया से रिलेटेड कोई इंसिडेंट पर सवाल आ जाए तो यह डाइग्राम बना देना दैट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्राम इकोनॉमिक सेगमेंट इट इज़ अबाउट इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टिंग बाय 23.9 परसेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू सो थोड़ा सा बेसिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं कैसे जीडीपी कैलकुलेट होता है एंड देन वी विल टेक अप द करेंट टॉपिक देखो जी डी पी आप सबको आई आई होप आपको पता ही है इट्स अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर ऑन ए कॉन्टेंट प्राइस तो कॉन्स्टेंट प्राइस ली जाती है इंडिया के केस में वो कॉन्स्टेंट प्राइस है द प्राइस ऑफ 2011, 12 और उसके बेसिस पे हर साल जो भी हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वैल्यू निकाली जाती है दैट इज नोन एज जीडीपी, रियल जीडीपी रेट ओके एंड जीडीपी डी इज़ कैलकुलेटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस जीडीपी इज़ कैलकुलेटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस इसका मतलब ये है कि एक पूरे फिस्कल ईयर को जैसे कि 2019-20 पूरा जो फिस्कल ईयर है राइट फ्रॉम अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल 2019 थाउजेंड टू मार्च 2020 वो एक पूरा फिस्कल ईयर है इसको चार क्वार्टर में बांटा जाता है फर्स्ट क्वार्टर इज नोन एज अप्रैल टू जून वाला क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर जून जुलाई टू सेप्टेम्बर लाइक वाइज और जो फोर्थ क्वार्टर होता है जनवरी टू मार्च और हर एक क्वार्टर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसका मॉनेटरी वैल्यू

वो पिछले साल की तुलना में कितना ज़्यादा है या कम है पिछले साल के इसी क्वार्टर के तुलना में कितना ज़्यादा है या कम है ऑन दैट बेसिस द ग्रोथ रेट इज़ कैलकुलेटेड अक्सर स्टूडेंट्स को ये डाउट हो जाता है मैं यहाँ पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है कि क्वार्टर वन यानी कि अप्रैल टू जून का ग्रोथ रेट या जो भी डिक्लाइन रेट है वो पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं या इससे जो प्रिसीडिंग क्वार्टर है यानी कि जनवरी टू मार्च से कंपेयर करते हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना ना इससे सवाल आ सकता है कि इस साल का अगर ग्रोथ रेट हमें मेजर करना है तो वो पिछले साल के सेम क्वार्टर के तुलना में हम कंपेयर करते हैं एग्जांपल के मदद से समझा समझा देता देता हूं देता हूं करंट कॉन्टेक्स्ट को लेकर जब करंट न्यूज ये कहती इंडियन इकोनॉमीड बाई ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट इन क्वार्टर वन ऑफ फिजिकल ईयर इसका मतलब ये है कि मान लो कि अगर पिछले साल हमने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे इन दिस क्वार्टर क्वार्टर वन फ्रॉम अप्रैल टू जून यानी कि अप्रैल टू जून ऑफ टू नाइनटीन उसमें जो कुछ भी हमने प्रोड्यूस किया था अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यू है हंड्रेड रुपीज तो इस साल जो हमने अप्रैल टू जून में प्रोड्यूस किया 2020, 2021, उसकी 76 है टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन उसकी मॉनेटरी वैल्यू जस्ट सेवेंटी सिक्स पॉइंट वन रुपीज़ है दैट मीन्स डिक्लाइन ऑफ और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट हंड्रेड माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन इज सेवेंटी सिक्स पॉइंट वन सो दैट इज द मीनिंग इसको हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के तुलना में ऐसा कॉन्सेप्चुअल सवाल ऑलरेडी एक बार स्टेटमेंट बेस्ड आया था कई सारे स्टूडेंट्स ने गलती कर दी थी फिल्म एग्जाम में सो दैट इज वाई द ग्रोथ रेट दिस ईयर हैज़ बिन माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इकनॉमिक कॉन्ट्रैक्टेड बाई ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट अगर सेक्टर वाइज बात की जाए तो हर एक सेक्टर में डिक्लाइन हुआ है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एक इकलौता ऐसा सेक्टर है जिसने पिछले क्वार्टर की तुलना में पिछले साल के इस क्वार्टर के तुलना में इस क्वार्टर में ग्रोथ रजिस्टर किया एंड दैट ग्रोथ हैज़ बिन 3.4 परसेंट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल अदर सेक्टर में इट बी मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एवरी अदर सेक्टर हैज सफर्ड आप देख सकते हैं सारे के सारे सेक्टर नेगेटिव में चल रहे हैं ये देखो जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दिया था बेस ईयर बेसिक प्राइस इन क्वार्टर वन अप्रैल टू जून ऑन द बेस ईयर दैट इज टू थाउजेंड प्राइसेस लेटेस्ट सी सम अदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इस आर्टिकल में आए हैं जी डी पी फिगर्स आर कैलकुलेटेड बाई एन एस ओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस क्वार्टर्स परफॉर्मेंस दैट इज ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट कॉन्ट्रेक्शन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज द वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकनॉमी इन एनी क्वार्टर सिंस नाइनटीन नाइन्टी सिक्स तो देखो नाइनटीन नाइन्टी सिक्स से पहले हमारी देश की इकोनॉमी ईयर ऑन ईयर बेस पे कैलकुलेट होती थी <coughs> जैसे कि ये देखो 1996 से पहले 1996 से पहले हर एक क्वार्टर वाइज हमारा देश का जीडीपी वैल्यू हम काउंट नहीं करते थे हम पूरे साल का एक बार में काउंट करते थे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम अपना ग्रोथ रेट मेजर करते थे लेकिन 1996 से हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपना ग्रोथ रेट रजिस्टर करने लगे हैं काउंट करने लगे हैं सो so, जब से हमने क्वार्टर बाय क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रेट काउंट करना शुरू किया दैट इज़ फ्रॉम 1996 सिंस 1996 तब से ही लेकर के अभी तक का ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है 23.9 परसेंट कॉन्ट्रैक्शन तो आज तक कभी इंडियन इकनॉमी का किसी भी क्वार्टर में हुआ ही नहीं था एंड अगर प्रीवियस कॉन्ट्रैक्शन देखा जाए तो थोड़े बहुत माइनर कॉन्ट्रैक्शन हुए थे इकोनॉमी के मतलब थोड़ी कम कमाई हुई थी विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर ऐसा एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था इन 1979-80 जब जीडीपी हैड कॉन्ट्रैक्टेड बाय 5.2 परसेंट वैसे ही सम माइनर कॉन्ट्रैक्शन वाज विटनेस ड्यूरिंग नाइनटीन टू सिक्सटी एंड नाइनटीन सेवेंटी टू सेवेंटी ये सब सवाल आपके फिल्म एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाएंगे सो बी माइंडफुल अबाउट दीज इन्फॉर्मेशंस अब अगर देखते हैं कि द परफॉर्मेंस ऑफ मेजर इकोनॉमीज ऑफ़ द वर्ल्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ये जो पहला क्वार्टर है उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस तो काफ़ी ख़राब रही माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट का हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ बाकी सारे मेजर इकोनॉमीज जो दुनिया के हैं उनका परफॉर्मेंस देखते हैं तो यू एस की इकनॉमी का परफॉर्मेंस इंडिया से भी ज़्यादा खराब रहा है यू एस इकनॉमी हेज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाई थर्टी टू पॉइंट नाइन परसेंट जबकि यू के एज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाई ट्वेंटी पॉइंट फोर फ्रांस बाई थर्टीन पॉइंट एट इटली बाई ट्वेल्व पॉइंट फोर Canada by 12%, Germany by 10%, Japan by 7.6%, all of them have contracted. But surprisingly, इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू सी कि चाइना हैज़ रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ थ्री पॉइंट टू परसेंट पिछले क्वार्टर में पिछले साल के इस क्वार्टर में उन्होंने जितना कमाया था उसके तुलना में इस साल उन्होंने ग्रोथ रजिस्टर किया अब इट्स वेरी सरप्राइजिंग थिंग टू नो पता नहीं चाइना कैसे ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है उसने पूरी तरह से कैसे इस पैंडेमिक को कंट्रोल कर लिया उसकी इकोनॉमी कैसे फुल स्विंग में चल रही है जब इन स्पेशली इन दैट केस जब पूरी दुनिया भर में रिसेशन आया हुआ और चाइना मेनली पैसा कमाता है बाई एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट तो वैसे भी रुका हुआ है ग्लोबल सप्लाई चेन इज़ ब्रोके नग, फिर भी चाइना ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है इट्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड और चाइना क्या कर रहा है वो बॉर्डर पे इस तरह के डिस्प्यूट्स कर रहा है फ्रीक्वेंट वायलेशंस कर रहा है एल के सो इट इज़ पोकिंग इंडिया जबकि इंडिया बार बार, बार बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना और यूएस के बीच में सो so, चाइना की अभी जो फॉरेन पॉलिसी है दट डज नॉट फिट इन एनी ऑफ़ द इस्टैब्लिश्ड पैरामीटर्स मेड बिथ न्यू रियलिस्ट क्लासिकल रियलिस्ट आइडियलिस्ट लिबरल कहीं भी ये फिट नहीं बैठता है चाइना इज मूविंग इन एन एक्सेंट्रिक मैनर इट्स इवन डिफिकल्ट फॉर द एक्सपर्ट्स टू अंडरस्टैंड कि चाइना क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है जब दुनिया की इकोनॉमी इतने बुरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम में चाइना कैसे ग्रोथ कर रहा है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन कॉम्प्रीहेंड The next article is taken from national segment. It is about fine of rupees one on Prasant Bhushan. The ideas discussed in this article can be utilized in writing an essay in paper one. Dekho. आप सबको तो बैकग्राउंड पता ही है इस केस का जब प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया था जहाँ पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस बोबडे साहब को फॉर राइडिंग अ बाइक दो तीन दफ़ा तो मैंने इस आर्टिकल को कवर कर लिया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया था सुओ मोटर केस ले लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा करके प्रशांत भूषण को गिल्टी पाया गया था और प्रशांत भूषण को वक्त दिया गया था कि आप माफी मांग लो कोर्ट से लेकिन प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से साफ साफ इंकार कर दिया ही से डर आई डू नॉट आस्क फॉर मर्सी उनका कहना था कि दिस इज जेन्यून फेयर क्रिटिसिज्म एंड इट इज नॉट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड नो इंस्टीट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री कैन बी बियॉन्ड क्रिटिसिज्म तो इस तरह का स्टेटमेंट देख करके प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इंकार कर दिया था अब करंट न्यूज क्या निकल के आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के ऊपर एक रुपए का फाइन लगाया और कहा कि आप एक रुपए का फाइन भर दो बिकॉज यू हैव बिन फाउंड गिल्टी ऑफ दिस क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्ज अब कल से ही जब से ये न्यूज़ निकल के आई है कई सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं मुझे भी कई सारे लोगों ने पूछा कि सर ये एक रुपए का फाइन लगाने का क्या मतलब है हाउ वट डज दिस इट मीन एक रुपए तो ये तो मजाक हो गया बट आप समझो इस बात को अब इस इसके सिग्निफिकेंस को समझते हैं ये एक रुपये का फाइन का क्या मतलब इट इज़ सिम्बॉलिक ये एक सिम्बॉल है प्रशांत भूषण पर फ़ाइन लगाया गया और प्रशांत भूषण ने फाइन भरा अगर वो एक रुपये का फाइन भर देते हैं जो वो भरने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एडमिट करते हैं कि हाँ उन्होंने ये गलती की है ही एडमिट्स ऑफ हिज मिस्टेक दैट इज़ द सिम्बोलिज्म ये एक सिंबोलिक है कि एक समझो तो एक इंडिकेशन है बस नाम मात्र का क्योंकि तो देखो आप अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है हम थोड़ा डेविएट हो रहे हैं बट एक बात तो आप समझ ही रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को इस केस में गिल्टी पा करके सुप्रीम कोर्ट खुद ही फंस गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर प्रशांत भूषण को सजा दे देती छः महीने या एक साल की सजा दे देती तो सुप्रीम कोर्ट को और भी क्रिटिसाइज़ किया जाता फॉर इट्स इंटॉलरेंस वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी कंडेम किया गया फॉर इट्स दिस केस प्रशांत भूषण केस मैंने आपको पहले मोलगांव का प्रिंसिपल समझाया है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि उसको कंटेम्प्ट कोर्ट चार्ज को रेयरली यूज़ करना चाहिए तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह से फंस गई थी अगर वो प्रशांत भूषण को ज़्यादा कड़ी सजा दे देती तो प्रशांत भूषण और हीरो बन जाते तो पहले ही अटर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को सजेशन दिया था कि प्रशांत भूषण को सजा दे करके उनको आप मर्टायर मत बनाइए उनको आप शहीद मत बनाइए वो और भी हीरो बन जाएंगे तो इस कारण से अब सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह से फंस गई थी तो उन्होंने एक बड़ा ही सिंपल सा पनिशमेंट दे दिया अब वो पनिशमेंट को फॉलो करना भी आसान है आराम से प्रशांत भूषण मान जाएंगे और उन्होंने ये एक रुपये का फाइन भर दिया एंड दैट मींस कि प्रशांत भूषण खुद भी एडमिट कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने गलती की थी उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्ट किया था सुप्रीम कोर्ट का प्रशांत दैट मीन्स इट इज सिंबोलिक ही ऑल्सो कमिटेड मिस्टेक लेकिन प्रशांत भूषण ने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि वो फाइन तो भरेंगे क्योंकि ये वापस से इस डिसीजन का यानी कि एक रुपये का फाइन भरने के जजमेंट को ना फॉलो करके वो दूसरा कंटेम्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा तो ये फाइन तो भरेंगे इस केस के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको गिल्टी पाया है बट वो पुराने केस के लिए जहाँ पे उनको आ, उनके ट्वीट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया था उस केस के लिए प्रशांत भूषण वापस से रिव्यू पिटीशन डालेंगे उनका अभी भी मानना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है लेकिन चूंकि कोर्ट ने अब सजा सुना दी है तो सजा को वो जरूर फॉलो करेंगे ताकि डबल क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए लेकिन जो जिस ग्राउंड पे इनको कंटेम्प्ट या फाइन लगाया गया है वो ग्राउंड को वापस से चैलेंज करेंगे थ्रू अ रिव्यू पेटिशन अभी भी सिम्बोलिज्म को आपको समझने में तकलीफ हो रही होगी तो मैंने एक दो एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किए हैं इन ऑर्डर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिम्बोजम सिम्बोलिज्म के बेसिस पर ऑलरेडी यूपीएससी में एक एस आ चुका है द सिग्निफिकेंस ऑफ सिम्बोलिज्म आप समझो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सिंबोलिज्म के पहला है डांडी मार्च बाय गांधी जी अब आपको तो बेसिक हिस्ट्री पता ही है कि ब्रिटिशर्स हैड इम्पोज सॉल्ट टैक्स ऑन मेकिंग सॉल्ट तो सॉल्ट बनाने पे बेचने पे ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिया था अब गांधी जी को लगता था सारे इंडियंस को लगा कि ये तो काफ़ी एट्रोसियस तरह का टैक्स है एट्रोसियस लॉ है क्योंकि सॉल्ट गरीब से गरीब इंसान भी कंज्यूम करता है क्योंकि जब गरीब इंसान को खाने को कुछ नहीं होता तो रोटी के साथ नमक लगा के खा लेता था तब तो आपको पता है इंडिया में और भी गरीबी थी आज़ादी से पहले तो सॉल्ट वॉज अ कॉमोडिटी दैट वॉज कंज्यूम्ड बाई इवन पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और उस पर टैक्स लगाना गांधी जी और बाकी सारे जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनको अनड्यू लगा अनफेयर लगा तो उनको लगा कि जब ये लॉ गलत है अनड्यू है अनफेयर है तो इसको तोड़ना चाहिए और उसको तोड़ने के लिए फिर गांधी जी ने डांडी मार्च किया और डांडी मार्च करने के बाद ही उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च किया आपको पता ही होगा नाइनटीन में तो आग आग देखो डांडी मार्च में उन्होंने क्या किया वो साबरमती आश्रम से चले और गुजरात के डांडी कोस्ट पे जाकर के उन्होंने मुट्ठी भर सॉल्ट बनाया हैंडफुल ऑफ सॉल्ट और ये मुट्ठी भर सॉल्ट से तो ऐसा तो कुछ है नहीं क्योंकि बहुत बड़ा काम हो जाता है ये मुट्ठी भर सॉल्ट से तो ऐसा नहीं कि लोगों के सॉल्ट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती उन्होंने बस डांडी कोस्ट पर जाकर के मुट्ठी भर सॉल्ट बनाकर के अंग्रेजों के इस कानून को तोड़ दिया सिम्बॉलिक कि तुमने कानून बनाया है कि सॉल्ट बनाने से पहले आपको टैक्स देना होगा लो मैंने सॉल्ट बना दिया और टैक्स भी नहीं भरा तो ये मुट्ठी भर सॉल्ट बना करके उन्होंने सिम्बॉलिक तरीके से इस कानून को ब्रेक किया इसके साथ ही उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का पर्पस ही था कि जो अनलॉ अनजस्ट अनफेयर लॉ हैं उनको भारत अब नहीं मानेगा इंडिया के नेशनलिस्ट लोग नहीं मानेंगे जो भी ब्रिटिशर्स के अनड्यू अनफेयर लॉ हैं उसको अब हम मानने से इंकार कर देंगे सो दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग दिस सॉल्ट लॉ वैसे ही अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेको देखो सिंबोलिज्म का तो आपको एक बात तो पता ही है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में द फूड ग्रेन्स आर गिवन टू द बेनिफिशियरीज एट वेरी सब्सिडाइज रेट तीन रुपए का आपको राइस मिल जाता है पर केजी जी दो रुपए का आपको वीट मिल जाता है पर केजी जी कोर्स ग्रेन्स ज्वार बाजरा एक पर के मिलता है तो कई दफ़ा स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर इसका क्या मतलब है आखिर दो रुपये एक रुपये भारत सरकार क्यों लेती है फ्री में दे देती जब सत्तर रुपये में हम भारत सरकार खरीदती है तो फिर दो रुपये में क्यों बेचती है तीन रुपये में क्यों बेचती है अगेन सिम्बोलिज्म जो लोग भी इसको खरीद रहे हैं एक रुपये भी दे करके या दो रुपये भी खरीद दे करके उनको फिर ये फील आता है कि दे आर बाइंग इट उनको चैरिटी के रूप में ये नहीं मिल रहा है सो दे फील दैट दे हैव राइट ओवर इट उनका कंट्रोल है इसके ऊपर So, क्योंकि जनरली होता कि अगर फ्री में दे दिया जाए तो पी डी एस शॉप वाला फिर उसको लग गया कि वो लोगों को भीख दे रहा है ही इज गिविंग अ चैरिटी बट द मोमेंट द पीपल हैव टू पे वन रुपी टू रुपी एज अ प्राइस एज अ कॉस्ट देन दे फील दैट दे आर नॉट गेटिंग अ चैरिटी और आर्म्स एंड दैट वे इट मेक देम फील और टू क्लेम देयर राइट ओवर द पी डी एस शॉप ओनर तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ सिम्बोलिज्म सो so, ये सब कुछ एग्जाम्पल है सिम्बोलिज्म के और उसका आप इस्तेमाल करेंगे अगर कभी सिम्बोलिज्म पर सवाल आ जाए तो इस प्रशांत भूषण के इस करंट uh, केस का जरूर आप जिक्र करेंगे दैट प्रशांत भूषण वॉज इम्पोज ए फाइन ऑफ रुपीज वन एज अ सिम्बोलिज्म टू इस्टिश द फैक्ट दैट ही हैड ही वॉज गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पर्सनैलिटी सेगमेंट एंड टूडे विल टॉक अबाउट श्री प्रणब मुखर्जी वैसे तो ये इतने पॉपुलर और फेमस लीडर हैं कि मुझे उम्मीद नहीं है कि इनसे बा, इनके बारे में सवाल एग्जाम में आएगा क्योंकि सब लोग जानते हैं इनके बारे में बट फिर भी इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं क्या पता एग्जाम में आ जाए प्रणब मुखर्जी ही लिव फ्रॉम नाइनटीन थर्टी फाइव टू नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी एंड इस सर्वड एज थर्टीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेल्व टू टू थाउजें सेवनटीन और उसके पहले उन्होंने कई सारे मिनिस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज मिनिस्टेरियल पोर्टफोलियोज हैंडल किए फॉर एग्जाम्पल ही वॉज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाइनटीन एटी टू टू एटी फोर ही वज लीडर ऑफ द In Rajya Sabha from 80 to 85. He headed the planning commission in from 1991. He was uh, also foreign minister in 1995. उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी इन्होंने अलग अलग पोस्ट हैंडल किए जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम 2004 थाउजेंड फोर टू सिक्स एक्सटर्नल अफेयर्स फ्रॉम सिक्स टू नाइन फाइनेंस फ्रॉम नाइन टू टूल्व और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री से उन्होंने रिजाइन किया टू थाउजेंड टूवल्व में एंड देन ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थर्टींथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू थाउजेंड नाइनटीन में यानी कि लास्ट ईयर इनको इंडिया के हाइस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था ये सब फैक्ट्स याद रखना हो सकता है कोई सवाल इनसे रिलेटेड पूछ लिया जाए And today we will uh, also uh, see one important thing. This is a book review segment. A book written by our External Affairs Minister S. J. Sankar. This book is called The India Way. और ये बुक मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ना चाहिए ये बुक का बेसिक समरी यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया इसके अंदर का बेसिक आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया है लेकिन आपको अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए बाकी जी स्टूडेंट्स के लिए इसके बेसिक आइडिया मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आप इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन आंसर राइटिंग इन जी पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस एस जयशंकर साहब इस बुक में लिखते हैं कि राइट फ्रॉम डिकेड ऑफ 2008 थाउजेंड एट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस टू ट्वेंटी ट्वेंटी कोरोना वायरस पेंडेमिक वर्ल्ड हैज सीन ए रियल ट्रांसफॉर्मेशन पूरी दुनिया बदल रही है और बहुत फास्ट तरीके से बदल रही है नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड इट्स रूल्स आर चेंजिंग बिफोर आवर आईज एंड फॉर इंडिया दिस मीन्स ऑप्टीमल रिलेशनशिप विथ ऑल द मेजर पावर्स टू बेस्ट एडवांसड्स गोल ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है एस जयशंकर साहब बार बार इस चीज़ पर एन्फेसाइज कर रहे हैं कि इंडिया किसी भी एक कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट नहीं करेगा एस जयशंकर साहब बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहता है और वो यू एस के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट करना नहीं चाहता है वहाँ पर इस बुक में भी उन्होंने इसी आइडिया को एम्फेसाइज किया है कि ऑप्टीमल रिलेशन विथ ऑल मेजर पावर्स टू बेस्ट एडवांसड्स गोल लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इस गोल में कि चाइना इज मेकिंग डिफिकल्ट फॉर अस टू रियलाइज दिस गोल चाइना ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है कि हमें चाइना के साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप रखने में अब तकलीफ हो रही है दैट इज द प्रॉब्लम और इसी कारण से हमने हाल फिलहाल में कवाकाज से विद्रॉ कर लिया हम मालाबार में जा रहे हैं हम क्वाड में जा रहे हैं लेकिन कावाकाज से हमने विड्रॉ कर लिया बिकॉज चाइना इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अस बट अदरवाइज आर गोल इज टू मेंटेन ऑप्टिमल रिलेशन विथ और मेजर पावर्स रादर देन गेटिंग अलाइन विथ मेजर पावर बिकॉज किसी एक मेजर पावर से जब हम बहुत ज्यादा अलाइन हो जाते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हैम्पर होती है उसके अलावा ये ऑलसो सेट दैट इंडिया रिक्वायर्स ए बोल्डर एंड नॉन रेसिप्रोकल अप्रोच टू इट्स नेबरहुड तो नेबरहुड के साथ हमें हमारी जो नेबरहुड कंट्रीज हैं साउथ एशियन कंट्रीज उनके साथ नॉन रेसिप्रोकल अप्रोच रखना होगा इसका इनिशिएटिव आप पॉल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही होगा गुजराल डॉक्ट्रीन में हो गया था वापस से मोदी सरकार लेकर के आई नेबर फर्स्ट पॉलिसी सो वी आर फॉलोइंग ए नॉन रेसिप्रोकल अप्रोच फॉर आर नेबरहुड और इस अप्रोच को फुलफिल करने के लिए इंडिया ऑलरेडी एक प्लान बना चुका है द वैक्सीन डिप्लोमेसी जो कल हमने कवर uh, किया था हमारे न्यूज़ पेपरलिस में अगर यह वैक्सीन डिप्लोमेसी सक्सेसफुल हो जाती है तो नेबरहुड में इंडिया का स्टेचर बहुत बढ़ जाएगा साउथ एशिया uh, में हमारा स्टेचर काफ़ी बढ़ जाएगा अगर हमारे आस पास के कंट्री को हम बहुत सस्ते दामों में फ्री uh, में वैक्सीन अवेलेबल करा पाते हैं तो दैट विल बी नॉन रेसिप्रोकल अप्रोच इन इट्स नेबरहुड एंड दस वैक्सीन वैक्सीन डिप्लोमेसी इज गोइंग टू बी अ मेजर इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन देखते हैं वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है अपार्ट फ्रॉम दिस इज सेज दैट इंडिया विल प्ले अ ग्लोबल इट विल है ग्लोबल फुटप्रिंट नाउ इन मेकिंग इट्स लिवरेजेज इंडिया कैपैसिटी एंड ही सेज कि इंडिया हैज कैपेसिटी अब इंडिया का वक्त आ चुका है इस बुक में उन्होंने कहा है एंड इंडिया कैन प्ले अ मेजर रोल इन ग्लोबल इकोनॉमी एंड पॉलिटी द एर ऑफ ग्लोबल अपेवल्स इंटेल्स ग्रेटर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंडिया पुटिंग इट ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग ए लीडिंग पावर तो जिस तरह के अब चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं पूरे दुनिया भर में डिस्टर्बेंसेज इमर्ज हो रहे हैं इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इंडिया इनका फायदा उठा करके एक मेजर लीडिंग पावर बन सकता है इन हिस्स बुक द इंडिया वे एस जयशंकर इंडिया एनालाइजिस दी चैलेंजेस एंड स्पेल्स आउट पॉसिबल पॉलिसी रेस्पॉन्स तो इसके क्या क्या चैलेंजेस इंडिया आने वाली फॉरन पॉलिसी मेकिंग में फेस करने वाला उसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं वो सब कुछ उन्होंने यहां पर डिस्कस किया है

तो फिर हिस्ट्री से भी उन्होंने इंडिया के पोजिशन कंपेयर करके कहा है कि हम वापस से वो पोजिशन अचीव कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स इस बुक को जरूर पढ़ें आपको पेपर टू में जरूर फायदा होगा इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेगमेंट में खासकर टू बी सेगमेंट में सी लेटेस्ट रिलेटेड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट केम इन द न्यूज़ पेपर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जापान हैज़ कमिटेड एन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफ लोन ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोस फॉर कोविड नाइन्टीन क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट टू इंडिया world's largest solar tree. The Central Mechanical Engineering Research Institute has developed world's largest solar tree which is installed at CSIR, uh, Central Mechanical In Engineering Research Institute's residential colony at Durgapur. The installed capacity of the solar tree is about 11.5 kilowatt horsepower, made about Indian Railway has developed a remote controlled medical trolley named Medbot to help deliver food and medicines to COVID-19 patients. That's all from our side for today. Thanks for watching.